चलिए प्रीपोजिशन में जो जो बच्चे हैं वो आ जाएं, अध्ययन को शुरू किया जाए। चलो वेरी गुड। और मैसेज आप लोग जहाँ जहाँ देते हैं बहुत जी सर्कुलेट कर दीजिए। आप लोग का प्रीपोजिशन समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव देख लिया जाएगा। कंजंक्शन हो गया ना आप लोग का, आप लोग के बैच में कंजंक्शन हो गया है मेरे ख्याल से। आवाज़ जा रही है, आवाज़ पिक्चर सब सही है। आदर्श गुड आफ्टरनून बेटा, चलो बहुत बढ़िया। आकांक्षा आ गई, स्नेहा गुड आफ्टरनून बेटा। चलो तुम लोग लेकिन मेहनती बच्चा है यार, इंटरनेट बहुत स्पीड से ख़त्म हो जाता है। हाँ सुमित, ये कष्ट तो है, ये हम मानते हैं ये एक कष्ट है। इस कष्ट का उपाय किया जाएगा, सरकार चाहता ही है यही चीज़। ठीक है, अच्छे से कुछ उपाय हम करते हैं। गिव मी टाइम, कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा जिसमें इंटरनेट का स्पीड कम खर्च हो। तो लेट मी टॉक टू द टेक्निकल पार्टनर टुडे, उसके बाद बतलाते हैं हम। चलो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं। और एक काम करना है बाबा जी, आप लोग को वॉल्यूम वन बगल में लेके बैठना है। जिसके पास वॉल्यूम ऑन नहीं होगा, कंबल में रजाई में होंगे, वो लोग उठ के जाएं और वॉल्यूम ऑन लेके आए। ठीक है अंजलि, 12 बजे से वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, दूसरे बैच में क्लास ले रहे थे, ठीक है, बड़ वाले में जस्ट तो बंद ही किए, 5 मिनट हुआ। ठीक है विक्की पूछे ज़्यादा पढ़ाइएगा, अच्छा हाँ ठीक, अच्छा बोल रहे ज़्यादा पढ़ाएगा। देखो ना रे, काम का चीज़ पढ़ेंगे आज प्रीपोजिशन में। एक क्लास में 800 MB खत्म हो गया, ऐसा क्या मास्टर पढ़ा दिया हो। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं बुआ, नहीं तो MB ज़्यादा जाएगा आपका। चलो ठीक है शुरुआत करते हैं। क्लास में ऑफ चल रहा था हमारा, तो यूज़ ऑफ ऑफ पे हम लोग आएंगे बुआ जी। यूज़ ऑफ ऑफ, एक या दो पॉइंट हुआ था लेकिन हम वहीं से कंसिस्टेंट इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं यूज ऑफ ऑफ। चलिए वॉल्यूम वन सबके पास होना चाहिए, ऑफ बताएंगे भी, कुछ क्वेश्चन भी इस पे बनवाएंगे, फटाफट चीज़ों को लिखते चलेंगे। लिखने का तो लफड़ा है नहीं, स्क्रीनशॉट्स लेते चलेंगे हम, बस याद दिला दीजिएगा। याद क्या दिलाएगा, हम तो टैलेंटेड आदमी हैं। चलो पहला पॉइंट हम लोग का क्लास में हुआ था बाबा जी, सबके ध्यान में है, स्टाइलस ये वाला है दूसरा, अच्छा सॉरी। ठीक है वॉल्यूम टू भेज देना है, वॉल्यूम वन भेज देना है। ठीक है ठीक है, लाइब्रेरी में अभी वॉल्यूम वन अपलोड नहीं हुआ है बाबा जी, समय दीजिए, कल कर देंगे। ठीक है वॉल्यूम वन आज नहीं हो पाएगा, कल कर देंगे वॉल्यूम वन अपलोड। ठीक है चलो ध्यान से देखा जाए, पहला लिखा गया है बिलोंगिंग टू समबडी, मतलब सीधा ऑफ अधिकार दिखाता है, अधिकार दिखाने वाला शब्द ही ऑफ है। राम का बैग तो बैग ऑफ राम। रिलेटिंग टू समबडी, जैसे फ्रेंड ऑफ माइंड, द लव ऑफ अ मदर, द रोल ऑफ द टीचर, कैंट यू थ्रो आउट दैट ओल्ड बाइक ऑफ टॉमीज, टॉमी के बाइक को नहीं फेंक सकते हैं। तो जब अधिकार दिखाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। द पेंटिंग्स ऑफ मनेट, अधिकार दिखाने वाला प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ। अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे अधिकार दिखाना हो या एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु पे अधिकार दिखाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे बाबा जी, हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, फटाफट इसका हम स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं। चूंकि ये क्लास में हो गया था तो थोड़ा सा तेज यहाँ से निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी को कोई टेंशन नहीं होगा। अच्छा वीडियो क्वालिटी सेट करने वाला लगाइए, इस तरह यूट्यूब में होता है। ओके ओके आज बात करते हैं बउआ जी, ठीक है आज बात करके बतलाते हैं। चलो दूसरा पॉइंट भी क्लास में हो गया था, बिलोंगिंग टू समथिंग, बींग पार्ट ऑफ समथिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बउआ जी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बींग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अगर आप हिस्सा हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हम लोग भारत के हिस्से हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे वी पीपल ऑफ इंडिया या फिर वी सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी चीज़ के आप हिस्सा हैं उसके, तो सेक्शन है, पार्ट है, तो या आप उससे रिलेटेड हैं तो भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखा जाएगा, जैसे द लिड ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स का लिड होता है, जो ढक्कन होता है। चलिए द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये उसका पार्ट है, हिस्सा उससे जुड़ा हुआ है। द मेंबर ऑफ द टीम, बिल्कुल पार्ट है, हिस्सा है। द रिजल्ट ऑफ द डिबेट, द रिजल्ट ऑफ द डिबेट, ये उसका पार्ट हिस्सा नहीं, उसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट भी तो उससे जुड़ा हुआ होता है ना बउआ। इसलिए लिखा गया है रिलेटिंग टू समथिंग, उसकी वजह से वो निकला है, इसलिए हम लोग रिजल्ट ऑफ द डिबेट बोलते हैं। क्योंकि रिजल्ट भी किसी चीज का हिस्सा ही होता है, फाइनल वाला पार्ट होता है, फाइनल वाला हिस्सा होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग वहां पे, रिजल्ट ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई चीज, ध्यान दिए जो बात बोल रहे हैं, इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे,
पढ़ाएंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे, तुरंत काम करेगा, आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जो हम इमेज आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, बस वो वो जो इमेज है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई किसी का हिस्सा है, किसी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। पहला क्या आ गया था, अधिकार। दूसरा क्या हुआ, जुड़ा हुआ रहेगा, हिस्सा रहेगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है, फटाफट, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। यहाँ ले लिए हम इसका स्क्रीनशॉट। चलो, वेरी गुड। हाँ, तीसरे पॉइंट से क्लास में शायद नहीं हुआ था, कमिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर बैकग्राउंड और लिविंग इन अ प्लेस, एंसेस्ट्रल ऑरिजिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बुआ जी। हम लोग किसी को कहते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पटना, तो ये हम लोग जो बोलते हैं ये एंसेस्ट्रल ऑरिजिन नहीं होता है, ये आपके ऑरिजिन को दिखलाता है। फ्रॉम जो वर्ड होता है ये ऑरिजिन को दिखलाता है, और ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है ये एंसेस्ट्रल ऑरिजिन को दिखलाता है। जैसे अगर हम लोग किसी को बोले हैं कि वह एक अच्छे खानदान से आता है, तो हम लोग बोलेंगे ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, गलत, ही इज ऑफ अ गुड फैमिली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी आई है, इस पे स्टार लग जाना चाहिए, ही इज ऑफ अ गुड फैमिली। एंसेस्ट्रल ओरिजिन को कौन दिखलाएगा बुआ जी, ऑफ दिखलाएगा। फ्रॉम सिर्फ ओरिजिन को दिखलाता है, ऑफ दिखलाता है एंसेस्ट्रल ओरिजिन को। इज इट क्लियर, कोई टेंशन इसमें नहीं है, इसका हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, और सब बस पॉइंट माइंड में रखना है, सवाल बनाएंगे करेगा फायदा। तीन पॉइंट हुए, पहला हो गया अधिकार, दूसरा हो गया रिलेटेड टू, उसका हिस्सा होना चाहिए, उसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तीसरा हो गया एंसेस्ट्रल ओरिजिन। क्लियर है, तीनों पॉइंट माइंड में जा रहा है, एकदम एकदम सीधा दिमाग में हिट कर रहा है ना बुआ जी, कोई टेंशन नहीं ना है। अरे यस नो कुछ लिख के भेजो यार तुम लोग, यार ऐसे कहा है, एकदम बैठे हुए हैं मड़ुआ के सूख के। ठीक है चलो, डाटा खर्च हो रहा, उसको उपाय किया जाएगा। आने लगा, ही बिलोंग्स, अरे बिलोंग्स लगाएंगे तब ना, ही इज ऑफ अ गुड फैमिली बोलेंगे, बिलोंग्स लगाएंगे तो हम बिलोंग्स लगा कहाँ रहे हैं। ठीक है, और कुछ बोले गौतम जी, रुकिए 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 रुकिए, लेट मी स्टडी, कैसे जाने देंगे। हाँ वेरी गुड, बाकी लोग यस सर नो सर लिख दिया, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए गौतम जी, फिर मेरी बात को समझिएगा, जब हम बिलोंग वर्ड लगाएंगे, जब टू पढ़ाएंगे तो इसको भी पढ़ाएंगे, बिलोंग्स टू होता है, अगर बिलोंग वर्ड लगाएंगे नहीं, बिलोंग्स टू तो हो गया कि उससे नाता रखता है, हम बोलेंगे वो एक अच्छे खानदान से है, तो ही इज ऑफ गुड फैमिली। अच्छा एक बोलना होता है प्रिंस चार्ल्स रॉयल खानदान से हैं, तो हम बोलेंगे प्रिंस चार्ल्स बिलोंग टू रॉयल फैमिली, बक वहाँ पे सॉरी बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, प्रिंस चार्ल्स इज ऑफ रॉयल फैमिली। तो ये सीधा एंसेस्ट्रल ऑरिजिन को बताने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रीपोजिशन है वो यही होता है, बिलोंग्स टू तो रिलेटेड टू को दिखलाता है कि वहां से नाता रिश्ता रखते हैं, बिलोंग वर्ड लगाएंगे तो टू लगाएंगे। जैसे हम बोलते हैं इट बिलोंग्स टू मी, ठीक है, हम बोलेंगे दिस बाइक बिलोंग्स टू राम, वो राम से रिश्ता उसका है, हो सकता है राम के बड़े भाई का होगा, लेकिन ऑफ राम वो राम का है, देखिए कितना बड़ा फर्क हो गया सोचेंगे तो। दूसरी बात, बिलोंग वर्ड लगाएंगे तब ना टू, बिलोंग नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है। ईशांत बोल रहे हैं कि लेट नोटिफिकेशन आया, कोई बात नहीं, आ तो गया। चलिए गौतम जी तुरंत तुरंत यस नो लिख के भेजिए, आपके लिए इतना बोले हैं, ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चलिए वेरी गुड। तो ये क्या होता है, तो पहला यूज आपके पास क्या आया बउआ जी, पहला यूज आपके पास आया अधिकार दिखाने वाला शब्द कौन है, ऑफ है। ध्यान से चीजों को फटाफट रिवाइज भी करते चलना है, समझते भी चलना है। पहला आपको क्या बताया गया, बिलोंगिंग टू somebody, रिलेटिंग टू somebody, अधिकार को दिखलाएगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे दिया गया, हिस्सा को दिखलाएगा, आप किसी के हिस्सा हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेगा, जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, इस जो बोतल का ये ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन अरे कैप है, बोतल का कैप है, क्या क्या लैंग्वेज हो गया है मेरा, ठीक है। चलिए ये आपका स्टाइलस इस बोर्ड का है, ये भी इसका हिस्सा है, इसके बिना तो इस पर काम नहीं हो पाएगा ना, तो इसी तरह का। और अगला आपके पास आ गया एंसेस्ट्रल ऑरिजिन, तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट एकदम तुरंत माइंड में होना चाहिए, तुरंत माइंड को रिकॉल कीजिए, तीनों पॉइंट रिकॉल हो रहा है कि नहीं, पहला हुआ अधिकार, दूसरा हुआ हिस्सा, तीसरा हुआ एंसेस्ट्रल ऑरिजिन, इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास है रिलेटिंग टू और शोइंग somebody या समथिंग। देखो रिलेटेड टू, ध्यान से देखो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिंग टू और शोइंग somebody या समथिंग, ध्यान से देखिएगा।
बात वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न को बदला गया है। यहाँ पे लिखा गया है अब कोई उससे रिलेटेड चीज़ों को भी ऑफ का प्रयोग करता है। जैसे दिया गया ए स्टोरी ऑफ पैशन, जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे कहानी क्या है, तो ये एक जुनून दिखाने वाला कहानी है, ये कहानी ऐसा होता है जो कॉन्फिडेंस लेके आएगा, ये कहानी एक ऐसा है जो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति भरेगा, तो हम बोलेंगे स्टोरी ऑफ पैशन। एक स्टोरी आप पढ़ रहे हैं जिसमें दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो आप बोलेंगे स्टोरी ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, आप बोलेंगे स्टोरी ऑफ, आप वहाँ बोल सकते हैं कॉमेडी, स्टोरी ऑफ एडवेंचर, जो उस चीज़ को इंडिकेट करेगा, जो उस चीज़ को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं अ बोतल ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बोतल भी बोल सकते हैं, अ बोतल ऑफ प्लास्टिक, ये उसको इंडिकेट कर रहा है, उससे रिलेटेड है। देखिए अब फोटो, फोटो अब किसका है, तो माई डॉग, बिल्कुल वही चीज़ का, फोटो ऑफ माई डॉग, अ मैप ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग कहते हैं, आप कह सकते हैं रिलेटिंग या सोइंग, सोइंग ये इस चीज़ को दिखला रहा है, ये इस चीज़ को क्या कर रहा है, दिखला रहा है। आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, आप बोल सकते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, जैसे आप किसी से बात किए उसका एक्सप्रेशन जो है वो आपको दिखला दिया कि आदमी आपके बात से सहमत है, वो व्यक्ति आपके बात से सहमत है, तब क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट। तो आ गया ना, रिलेटिंग टूवर्ड्स सोइंग समबडी या समथिंग, सोइंग समबडी या समथिंग, जो चीज़ आपको दिखलाई पड़ रहा है, क्लियर है। तो ये चौथा यूज हो गया, पहला यूज आपके पास क्या गया था, अधिकार दिखाने वाला, दूसरा हिस्सा दिखाने वाला, तीसरा एंसेस्ट्रल ऑरिजिन, और चौथा जो कुछ आपको दिखला रहा है, कोई चीज़ है उसमें वो चीज़ है वो आपको सामने वाले को शो करना है, ऑफ का प्रयोग करते हैं। बोतल है, शो करना है प्लास्टिक का है, तो बोलेंगे बोतल ऑफ प्लास्टिक, क्लियर है। ये स्टाइलस है, ये तो रिलेटेड इससे हो जाएगा, तो स्टाइलस ऑफ दिस बोर्ड, क्लियर है। चलिए फिफ्थ पे आते हैं, यूज टू से अल्लाह, इसका नहीं लिए जी स्क्रीनशॉट, के पहले वाले का ले लिए थे ना, दोबारा ले लेते हैं, दोबारा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। चलो यहाँ ले लिए, अगला नहीं हुआ हो, वेरी गुड। चलिए अगला आते हैं, यूज टू से व्हाट समबडी समथिंग इज कंसिस्ट ऑफ या कंटेंट्स, कंसिस्ट ऑफ या कंटेंट्स, इसमें किसी चीज में क्या समाहित है या क्या निहित है। जैसे अगर हम देखते हैं इस बॉटल को, ये बॉटल प्लास्टिक का है, अब इस बॉटल में क्या है, पानी है, इस बॉटल में क्या है, पानी है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, बॉटल ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए बॉटल ऑफ प्लास्टिक बोलेंगे तो वहाँ पे मालूम चलेगा कि प्लास्टिक का है जो शो हो रहा है, सामने जो दिख रहा है, और बॉटल ऑफ वाटर बोलेंगे तो मतलब इसके अंदर कंसिस्टेंट चीज़ें क्या है, ऑफ है। देखो ऑफ दोनों काम करता है, जो आपको दिखलाई पड़ रहा है, और डी पी ऑफ माई एफ बी होगा या नहीं, ठीक है, उसको बेहतर है कि दर्द, हाँ बिल्कुल, और डी पी ऑफ माई एफ बी एकदम सही है, एकदम सही है, और 100% सही, उसमें कोई दाग नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ जो शो करेगा वो भी काम ऑफ करेगा, और जो कंटेंट चीज़ों को दिखलाएगा ये भी काम ऑफ करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया आपके पास, अ ग्लास ऑफ मिल्क दिख रहा है ना, अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ बॉटल है, तो ये नहीं दिखला रहा है कि वो ग्लास दूध का बना हुआ है, नहीं, उसमें कंटेंट क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं वो क्या है, ये भी कौन दिखलाता है, ये भी ऑफ दिखलाता है। अ सिटी ऑफ डबलिन, हम बोल सकते हैं, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, जो उसको दिखला रहा है। द इशू ऑफ हाउसिंग, ये क्या दिखला रहा है, इस इशू में क्या पड़ा हुआ है, हम बोल सकते हैं अ लेटर ऑफ कंप्लेन, हम बोल सकते हैं अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अच्छा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, कि उस लेटर में भाई साहब भरा हुआ क्या है, जो आपको पढ़ के मालूम चल रहा है, वो कौन दिखलाएगा, ऑफ दिखलाएगा, ठीक है, बात को समझते चलिए, ठीक है। चलिए अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड, क्राउड किसका है, तो भाई लोगों का है, तो जो कंटेंट है वो कौन होगा उसमें, अ क्राउड ऑफ पीपल, क्लियर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है कि स्क्रीनशॉट एक दो बार एक्स्ट्रा चला जाए, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यूज्ड विथ मेजरमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एज इटीसी, मेजरमेंट के साथ, यूनिट के साथ इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है टू डजन बनानास, देखो बाबा जी ध्यान से देखिएगा, अरे यार कौन गाड़ी है इसी टाइम पे जाता है, शोषित कर दिया है आदमी को, टू डजन बनानास,
देखिए जब यहाँ पे ऑफ नहीं लगता है ना तो ये सिंगुलर होता है और ये वाला प्लूरल होता है, लेकिन जब ऑफ लग जाएगा तो दोनों तरफ प्लूरल होगा। नाउन में इसकी चर्चा करेंगे, अभी बतला देते हैं। टू डजन बनानाज, यहाँ पे ऑफ भी लगा सकते थे, टू डजन ऑफ बनानाज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको समझाने के लिए बस हम लिख दिए हैं मिलियंस ऑफ फार्मर्स। देखिए क्या है, मेजरमेंट है, एन इंक्रीज ऑफ 2%। ये क्या दिखला रहा है, मेजरमेंट। कितना इंक्रीज हुआ, तो 2% का इंक्रीमेंट है। तो किसी तरह के मेजरमेंट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना होगा, आपको ऑफ का प्रयोग करना होगा। अ गर्ल ऑफ 12, ध्यान से देखिएगा, अब ये मेजरमेंट नहीं है, ये बहुत जी दिखला रहा है एज, ये बाबा जी दिखला रहा है एज, अ गर्ल ऑफ 12, इसका मतलब ये नहीं कि 12वीं कक्षा की पढ़ने वाली लड़की है, ना 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 ना, इसका मतलब है कि 12 वर्ष की लड़की है। अ गर्ल ऑफ 12, अ गर्ल ऑफ 15, अ मैन ऑफ 80, ये आराम से बोल सकते हैं, अ यंग मैन ऑफ 23, ये आप उसका क्या बतला रहे हैं, एज बतला रहे हैं। तो एज बतलाने के लिए भी, मेजरमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द 4th of July, अच्छा ये क्या बतला रहा है, ये टाइम को बतला रहा है। द 4th of July, जुलाई की 4th तारीख, ये लिखे हेलीकॉप्टर क्रॉस करता है। सर नहीं समझे बात को, हेलीकॉप्टर कैसे क्रॉस करेगा, नहीं समझे, सवाल को दोबारा समझाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो उसके बाद पूछेगा, ठीक है। बच्चा सबका MB ज़्यादा खर्च हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है द 4th of July, तो टाइम दिखाने के लिए, मेजरमेंट दिखलाने के लिए और एज दिखलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। टाइम के लिए, मेजरमेंट के लिए और एज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, सब बस पॉइंट देख लीजिए। यूज टू शो समबडी समथिंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप, ऑफन आफ्टर सम या फिर अ फ्यू, मतलब एक ग्रुप में से किसी को निकालना है, वही रिलेटेड टू तो काम ऑफ करेगा, जैसे सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से कुछ। अच्छा आप लोग देखते होंगे, हम लोग बोलते हैं 5 में से 3, तो बोलेंगे 3 of 5, 3 of 5, तो एक ग्रुप में से किसी को निकालना होगा तो भी काम ये कौन करता है, ऑफ ही करता है, इसलिए बोलते हैं 1 of my friends, दोस्तों में से एक को निकाल लिए, तो 2 को निकालेंगे तो 2 of my friends, 3 को निकालेंगे तो 3 of my friends, कुछ को निकालेंगे तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। तो एक ग्रुप में से अगर किसी को निकालेंगे, अलग करेंगे, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। अ फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में से कुछ को निकाले, तो कभी भी अगर एक ग्रुप में से जितना को निकालिएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर में से एक ड्रॉप निकल गया ना। द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द स्टार्स, तो सभी स्टार्स में से जो सबसे ज्यादा फेमस है, एक को अलग किए ना, तो एक ग्रुप में से, एक समूह में से अगर आप 2, 3, 4, 5, 10 को निकालेंगे तो वहां पे किसका प्रयोग करना है, ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा आपके बगल में जो गाड़ी क्रॉस किया, ह्यूमरस है बुआ तुम लोग। अब देखो ध्यान से, यूज टू शो द पोजिशन ऑफ समथिंग इज समबडी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे, समथिंग इन स्पेस और टाइम। ये स्पेस और टाइम में पोजिशन को भी दिखलाता है, समय में भी और स्पेस में भी, ध्यान से देखा जाएगा। जस्ट नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत, जैसे हम लोग मैप पढ़ेंगे तो बोलेंगे भारत से नॉर्थ, भारत से साउथ, तो जब आप पोजीशन की बात करते हैं किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड दूसरे व्यक्ति में, स्पेस में, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर वगैरह जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, एरोप्लेन वगैरह में इसका बहुत इस्तेमाल होता है डायरेक्शन बताने में। एट द टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन, या ध्यान रखा जाए क्या है, ये भी टाइम, ये टाइम को दिखला रहा है, समय में अगर किसी के पोजीशन को बताएंगे उस समय, तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, यहां भी इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेस और टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। प्रीपोजिशन पढ़ना से ज्यादा फायदा करता है क्वेश्चन बनाने में, ध्यान से देखा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बउआ जी, इस पॉइंट को तो एकदम स्टार लगा लीजिएगा। यूज्ड आफ्टर नाउन्स फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स, देखो भर्ब से जब नाउन बनाएंगे ना बेटा जी, तो उसमें इसका प्रयोग आपको करना होगा, भर्ब से जब नाउन बनाएंगे तो इसका प्रयोग आपको करना ही होगा। ध्यान से देखा जाए, द नाउन आफ्टर ऑफ कैन बी ईदर द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, ध्यान से देखा जाए, जैसे एक भर्ब है आपके पास अराइव, अराइव से क्या बना है, अराइवल, अराइव से क्या बना है, अराइवल, तो किसका अराइवल, तो लिखेंगे द अराइवल ऑफ द पुलिस, द अराइवल ऑफ द ट्रेन। डिपार्ट से बनाएंगे डिपार्चर, तो बोलेंगे द डिपार्चर ऑफ द बस, ठीक है। हम बोलेंगे द डिपार्चर ऑफ, या बोलेंगे काइंड पर्सन या फिर काइंड मैन, तो जब भी किसी भर्ब से नाउन बनाएंगे, ठीक है,
सर बॉर्न होता है या बॉर्न ऑफ? दोनों होता है बेटा जी, आने दीजिए वहां पे बता देंगे, ठीक है? दोनों होता है, दोनों दोनों, ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बॉर्न ऑफ एक अलग चीज है, हम बॉर्न के साथ ऑफ कोई फिक्स नहीं, हालांकि बॉर्न ऑफ होता है, कंडीशन आपको बतलाएंगे उसका, लेकिन बॉर्न, अच्छा देखिए जैसे मेरा जन्म हुआ मानिए गोवा में, तो हम बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन गोवा, बॉर्न ऑफ थोड़े बोलेंगे, बॉर्न ऑफ का अलग यूज होता है, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखा जाएगा। अब एक वर्ड है क्रिटिसाइज्ड। अच्छा क्रिटिसाइज यानी क्या होता है? आलोचना करना, भड़ बहना भाई, तो क्या बना दिया? नाउन, द क्रिटिसिज्म ऑफ द पुलिस। इसीलिए बोलते हैं टॉक ऑफ अ नाइस पर्सन, क्योंकि टॉक क्या है? भड़ है। जब भी भड़ को नाउन में प्रयोग करेंगे, जब भी भड़ का नाउन बनाएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगा। और यहाँ एक ट्रिक लिख लीजिएगा, फियर ऑफ द डार्क, यहाँ पे एक ट्रिक लिख लेना है। अच्छा आप लोग क्या लिखिएगा, हम ही लिखते हैं, ठीक है? डर वाले सभी शब्द ऑफ का प्रयोग करते हैं, फियर, सोइंग, वर्ड्स प्लस ऑफ। अब इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आप लोग के पास चल जाएगा। जैसे स्केयर वर्ड हो गया, स्केयर, तो स्केयर्ड ऑफ हो जाएगा। डर दिखाने वाला जो भी वर्ड होगा वो ऑफ का प्रयोग करेगा। डर दिखाने वाले सभी वर्ड्स ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसलिए कर दिया गया फियर ऑफ द डार्क, ठीक है? इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है बाबा जी, इस पे क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ध्यान में रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा एकदम। चलिए आगे आते हैं। यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स बिफोर मेंशनिंग सम बॉडी समथिंग इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन, जैसे टू डिप्राइव सम बॉडी ऑफ समथिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखा जाएगा। टू डिप्राइव सम बॉडी ऑफ समथिंग, अगर आगे कोई काम हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मेंशनिंग सम बॉडी ऑब्लिक समथिंग इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई काम हुआ है, तो अगर उस व्यक्ति या वस्तु के बाद उस काम को लिखेंगे तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग करना होगा। जैसे ध्यान से देखा जाएगा, समबॉडी व्यक्ति हो गया और यहां पे क्या हो गया है? काम, डिप्राइव, वंचित। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पे काम होगा, काम, काम के बाद व्यक्ति या वस्तु होगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति या वस्तु होगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। जैसे यहाँ पे देखिए, ही वॉज क्लियर्ड, क्लियर्ड वर्ब हो गया, तो क्लियर किस चीज़ से है? ब्लेम से है, तो क्या लगा देंगे? ऑफ लगा देंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर कोई काम हुआ है तो आपको वहाँ किसका प्रयोग करना होगा? ऑफ का प्रयोग करना होगा। किस बॉर्न ऑफ 90 होगा या अवेल ऑफ भी होता है, अफ्रेड ऑफ होता है। बहुत बढ़िया बोल रहे, रुको ना यार। अच्छा बेटा तुम लोग को हम पढ़ाते हैं राजेंद्र नगर में, तुम लोग पहुंच जाता है हो यार दानापुर, मास्टर को तो आने दो। बॉर्न ऑफ 90s होगा क्या? बॉर्न इन 90s होगा, बॉर्न ऑफ 90s कैसे होगा बउआ? ठीक है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, बॉर्न ऑफ क्वालिटीज का इस्तेमाल होता है, क्वालिटीज के साथ बॉर्न होना, लेकिन बॉर्न ऑफ 90s नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बॉर्न इन 90s होना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे टाइम में स्पेस को दिखाने के लिए, गिव मी टाइम बेटा आरती, समय दो, मेरे ख्याल से बॉर्न इन 90s होना चाहिए, बट गिव मी टाइम, इसका आंसर हम आपको कल या आज ही कुछ समय के बाद दे देंगे, ठीक है बेटा आरती? लेकिन मेरे ख्याल से बॉर्न इन 90s होना चाहिए, ना कि बॉर्न ऑफ 90s होना चाहिए। अगर एक बात बोलते हैं कि 90 के दशक का जन्म है, उससे अच्छा बर्थ ऑफ 90s लिखो ना बेटा, हाँ उससे अच्छा बर्थ ऑफ 90s लिखो। देखो बॉर्न मत लिखो वहां पे, बॉर्न का नाउन बना उसको बर्थ कर दो तो बर्थ ऑफ 90s हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 90 के दशक का जन्म है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बॉर्न इन होगा, बर्थ ऑफ होगा, ठीक है? क्लियर है आरती बेटा? ओके लिखे भेजिए। सम बॉडी एंड सम वन, एनी बॉडी एनी वन में क्या फर्क है? एनी अननोन को दिखाता है, सम नोन को दिखलाता है। सम को आप जानते हैं, एनी को आप जानते नहीं है। गौतम जी कितना आसान सवाल था, क्यों पूछ रहे हैं बताइए तो, ठीक है? और गौतम जी लिख के भेज दिया, बॉर्न इन 90s होगा, एकदम ऐसा ऐसा लड़का चाहिए। यार आपको समझ में आया, बॉर्न को अगर बर्थ कर देंगे तो बर्थ ऑफ 90s हो जाएगा। ये हो गया कि हम लोग कहते हैं कि 90 के दशक के जन्म लिए हुए बच्चे, तो ऑल द हम वहाँ बोल सकते हैं ऑल द किड्स हुज बर्थ इज ऑफ 90s, ठीक है? हाँ बॉर्न इन 90s होगा और बर्थ ऑफ 90 होगा। आरती आपको समझ में आया बेटा? कुछ यस नो लिख के भेजिए, हम जो बात बोले बॉर्न इन कर दीजिएगा, बर्थ ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया, वेरी गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु पे कोई काम होगा तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, डिप्राइव है तो क्या है, किसी चीज़ से क्लियर हो गया है तो ब्लेम से आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। थिंक है, थिंक है तो थिंक काम है ना, किस चीज का है, नंबर के बारे में सोच रहा है तो थिंक ऑफ अ नंबर। तो थिंक अबाउट भी लगा सकता है, लेकिन थिंक ऑफ भी। जब भी कोई काम होगा और काम के आगे व्यक्ति या वस्तु होगा जिस पे वो काम हो रहा है तो किसका प्रयोग करना होगा, ऑफ का प्रयोग करना होगा, ठीक है। शांत समझ गए, जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर काम होगा तो किसका प्रयोग करना होगा, ऑफ का प्रयोग करना होगा, क्लियर है बेटा जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं Used after some, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुआ जी। Used after some adjectives before mentioning somebody or something that a feeling relates to। कभी कभार एडजेक्टिव के पहले एक फीलिंग आता है उसका इस्तेमाल करना है। और बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्राउड ऑफ समथिंग। देखो प्राउड और प्राइड में क्या फर्क होता है, प्राउड जो है ये एडजेक्टिव है और एक फीलिंग है, प्राइड जो है वो नाउन है, याद रखिएगा। प्राइड जो है वो नाउन है, प्राउड जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए प्राइड ऑफ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्राउड ऑफ होता है। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव्स बिफोर मेंशनिंग, ठीक है, समबडी समथिंग दैट अ फीलिंग रिलेट्स टू। तो प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है, प्राइड क्या है, नाउन है। डिफरेंस बिटवीन प्राउड एंड प्राइड कीजिएगा तो यही आ जाएगा, प्राउड एडजेक्टिव है, प्राइड क्या है, नाउन है। तो याद रखिएगा हमेशा इस पॉइंट पे ले, ये क्या हो गया, तो याद रखिएगा इस पॉइंट पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कभी भी प्राउड, यहाँ पे प्राउड ऑफ होता है, प्राइड ऑफ नहीं होता, इस पे क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ध्यान में रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, माय गॉड 26 मिनट का क्लास हो गया, हम चाह रहे थे कि आज आधे घंटे में क्लियर कर दें। यूज टू गिव योर ओपिनियन टू समबडीज बिहेवियर। देखो जब किसी के बिहेवियर को लेके आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते इट इज़ काइंड ऑफ यू, ठीक है, इट इज़ नाइस ऑफ यू होता है, इट इज़ नॉट गुड ऑफ यू होता है, ठीक है। तो जब भी आप अपना विचार देंगे किसी के बिहेवियर को लेके कि आपका ये करना आपका अच्छा था या फिर ये करना आपका बुरा था, तो वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करना होगा। जैसे, ठीक है, जैसे अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो आप बोलेंगे, ठीक है, आप वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, इट इज़ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ यू टू ट्रीट मी लाइक दिस। तो जब भी आप किसी के बिहेवियर को लेकर अपना विचार देंगे तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। संजना पूछिए डिस्पोज एंड डिस्पोज्ड में क्या डिफरेंस है, DISPOSE एंड DISPOSED। ये तो बड़ा आसान सवाल है, क्यों पूछ रहे बेटा। देखो डिस्पोज, डिस्पोजल से बना हुआ, डिस्पोज होता है उसका हटा देना, निवारण कर देना, क्षरण कर देना। तो डिस्पोज वर्ब का पहला रूप है, डिस्पोज्ड वर्ब का दूसरा रूप है। तो ऐसे क्यों पूछी हो बेटा इतना आसान सवाल। हाँ स्वीट ऑफ यू आरती, बहुत बढ़िया, सो स्वीट ऑफ यू बोलते हैं, कितना अच्छा। तो जब भी किसी के बिहेव को लेके आप अपना विचार रखेंगे तो आपको इस्तेमाल करना होगा ऑफ का, ठीक है, गया दिमाग में। संजना आपको समझ में आया बेटा हम जो बात बोले, इतना आसान क्वेश्चन था क्यों पूछी है। यूज्ड व्हेन वन नाउन डिस्क्राइब्स अ सेकंड वन, जब एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे वेयर्स दैट इडियट ऑफ अ बॉय। जब एक नाउन, जैसे अभी एक मूवी आई है स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन में एक बड़ा अच्छा लाइन है, हाँ हाउ काइंड ऑफ यू, बहुत अच्छा, ठीक है, एक स्पाइडरमैन लाइन है, आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ। देखिए समथिंग ये भी एक, ये भी प्रोनाउन है, ऑफ अ साइंटिस्ट मतलब एक तरह का वैज्ञानिक। जैसे क्या दिया गया है, द बॉय दैट यू थिंक इज स्टूपिड, तो आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ मतलब मैं समझता हूँ कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉबलिन का ये एक डायलॉग है, कहीं देखिएगा इस बार जो मूवी आई है। तो जब आप किसी के बारे में कुछ समझते हैं तो एक नाउन या प्रोनाउन लगा के उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताते हैं। आप कह सकते हैं डिस्पोज में साथ ऑफ लगता है बट डिस्पोज्ड के साथ टू लगता है एक बुक में, इसीलिए पूछे। अच्छा वेरी गुड। देखो बुआ ऐसा नहीं कि डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ लगता है और डिस्पोज के साथ हमेशा टू लगता है, यह फिक्स प्रीपोजिशन वाली कहानी नहीं है। जैसा वो आगे वाले नाउन पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, इट वॉज डिस्पोज टू बी डिस्ट्रॉयड, हम बोल सकते हैं इट वॉज डिस्पोज ऑफ बींग डिस्ट्रॉयड। तो
यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे चले गए हो, ये फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है डिस्पोज और डिस्पोज का, वो आगे वाले नाउन पे निर्भर करता है। जैसे एक वर्ड हम बोल देंगे लीव, तो लीव इन भी होता है, ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, अच्छा लिव एट भी हो सकता है कि नहीं, आई लिव फॉर यू भी हो सकता है कि नहीं, तो लीव के साथ तो अलग अलग वर्ड लग रहा है ना, वो दोनों टेंस का फर्क है और इसके साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होता है, वो भी बतला देंगे आगे प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे। तो देखो पहले पार्टिकुलर पार्टिकुलर पढ़ लेंगे, फिर जब कंबाइन रूप से सबको पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि आगे वाले नाउन पे वो निर्भर कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो वहाँ जो आप देखे आई हो वो आगे वाले नाउन पे निर्भर कर रहा होगा, इस पे क्लियर नहीं, इस पे निर्भर नहीं कर रहा होगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, जितना आप लोग पढ़ लिए सारा का स्क्रीनशॉट हम आपको दे देंगे, अब जितना आप लोग पढ़े उस पर आप लोग हम कुछ क्वेश्चन बनवा देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से नोट ये कर लीजिएगा कि एक फ्रेज होता है बुआ जी ऑन अकाउंट ऑफ, इस पर कभी कभी क्वेश्चन देता है फॉर लगा के, फियर ऑफ या स्केयर ऑफ, डर वाले सभी वर्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ये एस है, आप लोगों को आर लगेगा लेकिन ये एस है, रुको बढ़िया से लिख देते हैं, आई एन एस पी आई टी ई, इन स्पाइट ऑफ होता है। और जिंदगी में कभी भी अगर डिस्पाइट ऑफ लगा दीजिएगा तो आपका लाइन गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसपे क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं, ये आप लोग को जान लेना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये कुछ वर्ड्स पे क्वेश्चन रेगुलर आते हैं। ले प्राउड ऑफ नहीं लिखे, जा रुको लिख दे इसमें, प्राउड ऑफ होता है, अगर प्राइड ऑफ लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो ये भेज देंगे, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए फटाफट, ठीक है। हाँ, डाई ऑफ होता है, डाई ऑफ, तो मेरे ख्याल से ये हम बतलाए हुए हैं आप लोग को कि कब डाई ऑफ लगेगा, कब डाई फ्रॉम लगेगा, और मेड ऑफ भी होता है और मेड फ्रॉम होता है, लेकिन वो पॉइंट बतलाते हैं कुछ पॉइंट, लेकिन चलो अब चर्चा हुआ है तो बतला ही देते हैं आप लोगों को यहाँ पे। ये हम आप लोगों को पहले भी बतलाए हुए थे क्लास में जब चर्चा चल रहा था, तो अच्छा ये बतलाए थे कि नहीं, कोई बतलाए हमको, अगर ध्यान से देखा जाएगा कोई यहाँ पे रॉ मटेरियल है, ध्यान से देखिएगा बउआ, कोई रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल का दो उपाय होगा। अच्छा डाई तो पढ़ाए थे क्लास में, ध्यान में है ना, अच्छा ईशांत बोल रहे बताए थे, डाई और रॉ मटेरियल वाला बतला दिए थे क्लास में, दोनों बतला दिए थे ना, मरने वाला ही बतला दिए थे जहाँ पे चर्चा हुआ था, हार्ट अटैक से मरने वाला, फिर बीमारी से मरने वाला, और ये वाला बतला दिए थे मैन्युफैक्चर वाला कि अंगूर से शराब बनता है तो वहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लकड़ी से टेबल बना है तो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, बतलाए थे कि नहीं क्लास में, हाँ गोल्ड वाले एग्जाम्पल में, तो ये दोनों हो गया था ना जी, मैन्युफैक्चरिंग वाला कन्फ्यूजिंग में बतलाए थे, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी हो गया था और मरने वाला भी हो गया था, दोनों का दोनों, चलो ठीक है, वेरी गुड, तो दोबारा क्यों बतलाएं, आप लोग का डाटा खर्च होगा। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, चलो फटाफट क्वेश्चन देखो, उसके बाद घर पे जाके, नहीं घर पे तो हो ही, सो जाना, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद सोना, ठीक है बउआ जी। चलो हम लोग आते हैं सिस्टम फाइल्स, अब आ गए डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूम वन, चलो पेज नंबर हम लिख के लाए हैं, पेज नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, बनना चाहिए आप लोगों से, सबसे बनेगा, पहले पेज नंबर है 438, ठीक है बेटा जी, थोड़ा फास्ट पढ़ाए हैं, हाँ सॉरी पेज नंबर 127 है, सॉरी पेज नंबर 127, ओके, क्वेश्चन नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 438, देखिए आप लोगों को दिखेगा बउआ जी, तो हम इसको जूम करते हैं, देखिए तो गलती दिख रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 438 सबको दिख रहा है, ध्यान से देखिए तो 438 क्वेश्चन, गलती दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना में बताया जाए फटाफट, और आप लोग नोट कर लेंगे, पेज नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 438, We were aware that she had reviewed many awards and was felicitated on account for, गलती दिख रहा है ना, गलती दिख रहा है बुआ जी, on account for की जगह क्या होना चाहिए था बुआ जी,
यहाँ पे होना चाहिए था ऑन अकाउंट ऑफ, बताए थे ना कि इस पे क्वेश्चन आता है, ऑन अकाउंट ऑफ होना चाहिए, ऑन अकाउंट फॉर नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये सवाल बन जाएगा, कोई ताकत नहीं है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आया जाए, देखा जाए बनता है कि नहीं बनता है। एक अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखिए बनना चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन, सबका क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी। अगले क्वेश्चन के लिए हमको जाना पड़ेगा पेज नंबर पे। अरे आ जा बउआ, वेरी गुड, आपके लिए पेज नंबर है मेरे पास 127 में ही क्वेश्चन नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 428, ठीक है बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 428, जवाब आप लोग को देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 428, क्वेश्चन नंबर 428 पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन बनाना है, गलती कहाँ पे है, पढ़ के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 428 गलती का। हाँ वेरी गुड, ऑफ नहीं होगा क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, खानदानी क्वेश्चन है बहु एसएससी का, ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, ये तो बिल्कुल सही हो गया आप लोग का, यहाँ पे ऑफ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, यस नो लिख के भेजिए, समय दीजिएगा, बढ़ाते हैं, हो सकता है आप लोगों से बन जाए। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो तो बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। पेज 121 क्वेश्चन 283, पेज 121 गो, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 283। चलो बउआ क्वेश्चन नंबर 283 दिख रहा है तो बनाना है, 283 बनाना है। देखो बउआ जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 283 बनाइए। तो क्या गलती बताई थी, ओ माय गॉड स्केयर्ड ऑफ, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अब तुम लोगों से सवाल बन जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बउआ जी, और देखो पांच ऑप्शन है, मतलब ये बैंक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो कॉन्सेप्ट बहुत फायदा करता है, सिर्फ अगर एक ये कॉन्सेप्ट आ गया कि किसी भी तरह का डर दिखाने वाला शब्द रहेगा, ऑफ लगेगा, लफड़ा खत्म हो गया। चलो अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देते हैं। पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 341 आते हैं, पेज नंबर 123। तो इसको बनाओ, तो पेज नंबर 123 गो, क्वेश्चन नंबर आपका है 341। चलो बउआ जी बनाओ, तो 341 बना के बताओ। चलो इसमें बताओ कहाँ पे एरर है, क्वेश्चन नंबर 341। गलती दिख रहा है मेरे डन बांकुड़ा, सबको समय लग रहा है, ऐसा क्या है जी गौतम जी, ऑन कैसे लगा दी। ईशांत बोले हैं 2 और आदर और अंजलि बोले हैं 2 और आदर्श बोले हैं 4। 4 में क्या दिक्कत है बेटा, टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट, तो डिसीजन ऑन होगा ना बउआ, डिसीजन ऑफ इट थोड़े होगा। रिजल्ट और डिसीजन दो अलग अलग चीज होता है, रिजल्ट ऑफ होता है, डिसीजन ऑन तो होता ही है। वेरी गुड आरती अंजलि, आप लोग बिल्कुल सही हैं। देखिए आप लोग गड़बड़ कर दिए गौतम जी और आदर्श जी, यहाँ पे बाई के जगह ऑफ होगा, ये ना इससे रिलेटेड है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कॉमन फी स्ट्रक्चर, ये ना उससे जुड़ा हुआ है, उसके पक्ष और विपक्ष, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तो ये ना उससे जुड़ा हुआ है जी, तो जो जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ ना ऑफ लगाते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ कॉमन फी स्ट्रक्चर, ना कि बाई अ कॉमन फी स्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल से सही हो गया होगा और दुख हुआ होगा। हाँ ईशांत, हम आपका ऑलरेडी पढ़ लिए थे और आप सही बोले थे, हम समझ रहे थे, लेकिन दुख हुआ ये दो आदमी गलत कर दिए, ठीक है गौतम जी और आदर्श जी, बड़ा कष्ट हुआ इस दोनों व्यक्ति को देख के, काहे इतना बड़ा हड़बड़ा की गलती कर दी है। चलो एक और सवाल देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, ये आप लोगों से बन जाएगा। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, चलो
ये क्वेश्चन बनाइए 3 to 8, देखिए तो बन रहा है क्वेश्चन नंबर 328 बन रहा है, तो जरा बनाइए तो फटाफट बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 328 देखिए बन रहा है, जवाब जवाब चाहिए जवाब। वेरी गुड, सही कैच कर लिए, प्राइड ऑफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस इंट्रैक्शन। देखिए बन गया, ये देखो ये सब खानदानी क्वेश्चन है बुआ, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको माइंड में एकदम भर लेना है, ठीक है। चलो एक और सवाल लेके आते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। चलो ये बनाओ, चलो बुआ जी ये बनाइए तो, क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300, 300 देखिए तो गलती दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 300 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 300, अरे ऑफ होगा, कहाँ ऑफ होगा। फ्रॉम के जगह आई कुड फ्रॉम, इफ ये फ्रॉम के जगह ऑफ होगा, मर्डर कर देंगे, मर्डर मर्डर समझती है छुटकी अंजलि, एकदम डायरेक्ट मर्डर करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। वेरी गुड, देखो ईशांत को देखो तो, आकांक्षा को देखो, आरती का है रे, इतना बड़ा गलती की अंजलि, हड़बड़ा के कितना आराम से दिख रहा है, लोगों से सीख रहा है, तो ये तो ओरिजिन की बात कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑफ होता है ना बेटा जी, ये ऑफ सेपरेशन दिखाता है। और देखो गांव के लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया बताए थे ना, पीपल ऑफ इंडिया बतलाए थे ना, हिस्सा होगा तो ऑफ लगेगा, तो वहां पे ओ डबल एफ की जगह क्या लगेगा, ओ एफ लगेगा। हड़बड़ा के गलती कर दी आप लोग, कहाँ गई अंजलि, चलो लिख के भेजो तो गलती समझ में आया। हाँ, विकी तुम सही बोले थे, अंजलि अकाय गलती हुआ रे बुआ, बताओ तो, घर में बैठ के गलती कर रही है, इसे काम धाम चलेगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बना के देखो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। चलो ये क्वेश्चन बनाओ तो बउआ जी आप लोग, देखो तो बन रहा है 191, क्वेश्चन नंबर 191 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 191 आराम से, हड़बड़ाना किसी को नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आराम से बनाइए, बन जाना चाहिए गौतम, नो एरर, आराम से। ध्यान से पढ़िए गौतम जी, ऑफ के जितने यूजेस थे क्या वो यहां पे काम कर रहे हैं। हाँ तुम लोग बुआ यहाँ पे गलती कर दी है, अंजलि 3 लिख रही है, फ्रॉम फ्रॉम, देखो हमको इसी बात का गलती था। अब इसको पढ़ो बुआ जी पढ़ो, विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट बाय द ग्लोबल रिसेशन, काम करने वाले कर्ता के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, जानते हैं आप लोग, बाय पढ़ाया हुआ है क्लास में, जैसे बताए थे आपको कि शील्ड अगर किसी को बचाता है तो हम बोलेंगे ही वॉज प्रोटेक्टेड बाई द शील्ड। तो अगर कोई काम कोई व्यक्ति करेगा या कोई वस्तु ही करेगा या कोई भी काम करेगा, करता होगा तो वहां क्या लगेगा, बाई लगेगा, द मोस्ट अफेक्टेड बाई होता है। आप लोग यहाँ पे मोस्ट से कंफ्यूज हो गए, अफेक्टेड ऑफ नहीं होता है, अफेक्टेड बाई, बताए थे ना कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जो टीचर पढ़ाता है वही एग्जाम में आ जाता है, जैसे आप बाकी क्वेश्चन को बनाए धक धक बनेगा, ठीक है। अब लिखा है बिल्कुल सही है, तो एकदम तुरंत तुरंत बनेगा, लेकिन जब टीचर का पढ़ाया हुआ डायरेक्ट नहीं आए
तो आपको प्रीपोजिशन को जब चेंज करना होगा ना, तो एक बार बस पीछे वाला भर्ब देखिएगा कि ये भर्ब तो आप भी जानते हैं कि अफेक्टेड ऑफ कभी नहीं होता है, अफेक्टेड बाई होता है। तो एक बार अगर आप लोग इसको पढ़ते तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग बना देते। आगे से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, कभी घबराइएगा नहीं, ठीक है? निशांत बाई लिख के डिलीट कर दिए, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से बात को समझिएगा। तो दो टाइप देखो, टाइप समझना जरूरी है बुआ। गलती होता है, टीचर का पढ़ाया हुआ डायरेक्ट आ जाए बना देंगे। जब डायरेक्ट नहीं है प्रीपोजिशन में, तो कभी भी प्रीपोजिशन चेंज करने से पहले पीछे वाला भर्ब देखिएगा। पीछे वाला भर्ब जब क्लियर नहीं कर पाए तब आगे वाला नाउन देखिएगा, दो ही चीज देखिएगा। लेकिन पहले क्या देखना है उसके पहले वाला भर्ब, बाद में क्या देखना है उसके आगे वाला नाउन। बाकी क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद बनाएंगे, आज रहने देते हैं। ऑफ समाप्त हो गया, अगला देखते हैं, या तो विद पढ़ाएंगे। विद अभी नहीं हुआ है ना, WITH विद हो गया है कि विद नहीं हुआ है? ठीक है सर, कंफ्यूज थे बाय और फ्रॉम में। चलो कोई बात नहीं, अभी फ्रॉम नहीं पढ़ाए शायद ना, फ्रॉम पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो अभी विद पढ़ाना है, फ्रॉम पढ़ाना है। अच्छा विद नहीं हुआ है ना, तो अगले क्लास में, परसों के क्लास में विद कर देंगे और फ्रॉम कर देंगे, तो दोनों हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। पहले साथ देखो, प्रीपोजिशन पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा जब कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब, और मज़ेदार तरीका से सवाल देखो। सवाल जितना बनाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 10 सवाल बनाने पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, 20 बनाने पे ज़्यादा क्लियर होता है, 50 बनाने पे और ज़्यादा क्लियर होता है। तो चलो मिलते हैं फिर कल। कल तो वोकैब का क्लास है ना, कल वोकैब क्लास में मिलेंगे, परसों फिर ग्रामर क्लास में मिलेंगे। तब तक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर भी डालेंगे और PDF भी। कि आज का टाइम दो बेटा, आज पॉसिबल नहीं है हमको, एक दिन का टाइम दो, कल PDF ट्राई करेंगे भेजने का, ठीक है? आज कुछ कष्ट नहीं हो पाएगा। चलो मिलते हैं बुआ, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय, थैंक यू।